श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 2। वंशं कुरुर्वर्ष दबाग्नि निर्हतम् संग्रोहयित्वा भव भावनो हरि अनुवाद तात्पर्य पढ़िए प्रभु। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। मुरारी को बोलिए थोड़ा चुप रहने के लिए, मुरारी को बोलिए थोड़ा चुप रहने के लिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जनसमूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाए और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाए। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है, लेकिन जो चेतना नहीं वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्ट को इस संसार में भोगता है। अतएव भगवान चाहते हैं कि उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उसकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुवंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, जो भगवान परम प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पहले श्लोक में जो शौनक आदि ऋषिगण सूत गोस्वामी से प्रश्न किए, अभी नेक्स्ट श्लोक में सूत गोस्वामी उसका उत्तर दिए। क्या उत्तर दिए? कि विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्णा महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावांगनी से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। क्रोध की दावाग्नि, ये इसका मतलब क्या है? ये जो दोनों तरफ से क्रोध, कौरव बोल रहे कि हम पांचों पांडव को
कौरव की पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और इधर का पार्टी बोले कि उन लोगों को सफाया कर देंगे, जैसे फुटबॉल का मैच होता है या फुटबॉल का मैच में कभी ये बोलते कि उसको पूरा उड़ा देंगे, फाइट माइट मार के, वो भी बोलते इससे एक दूसरे का। तो वही ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध ऐसा ही हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण का काम क्या है इस संसार में आने का? परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्मों की स्थापना करने के लिए और साधुओं का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपना काम किए, काम करने के बाद अभी वो भगवत धाम जाएगा जहां से आए हैं, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हमारे लिए कुछ संदेश दिए हैं। संदेश, पहला संदेश ये है कि जो संसार है इसकी तुलना किससे की गई है? पिता माता जी, संसार की तुलना किससे की गई है? दावाग्नि के साथ। दावाग्नि के साथ। दावाग्नि का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? दोनों तरफ से, दोनों तरफ से आग। हाँ, दावाग्नि का अर्थ होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि वन में कोई आग लगाने नहीं जाता, नहीं कोई सिगरेट पीने के लिए बन जाता और माचिस दाग के आता है। चलो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे कि घर्षण, एक पेड़ दूसरे पेड़ के इस घर्षण करते करते और स्वतः आग लग जाती है। उसी प्रकार इस संसार में, परिवार में भी, समाज में भी, न चाहते हुए भी झगड़ा हो जाता है। नहीं चाहते फिर भी ऑटोमेटिकली क्लेश हो जाता है। किसका अनुभव है? किस किसका अनुभव है कि न चाहते हुए भी होता है? पार्थ प्रभु का कुछ अनुभव है, बिजली का बिल देने के लिए आते हैं घर में, ऑफिस में, और बोलते कि नहीं 500 रुपए का चेंज नहीं है, आप चेंज लेके आओ 40 रुपया, ऐसा कुछ? कुछ कुछ कंज्यूमर है तो माने एवरीडे झमेला है, रोज एवरीडे झमेला होता है, एवरीडे ज्यादातर झमेला होता है, तुरंत बात बात में झगड़ा होता है, बात बात। लोकल ट्रेन में जब कोई चढ़ता है ना, 10 मिनट चढ़ता है उसमें, मुझे बैठने दो, हमें बोसते थे, उठो 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 उठो, उठ जाओ, बैठने दो। थोड़ा भी नियत नहीं है कि जीवन का लक्ष्य यहाँ पे ट्रेन के सीट में बैठना नहीं है, लोकल ट्रेन के सीट में बैठना नहीं है। हाँ, लेकिन उस वो जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं इसे, उठो 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 उठो। तो ये जो है ना, ये क्या बताया जाए, हाँ अनामिका माता जी क्या अनुभव बताना चाह रहे थे, हाथ उठाए थे? वही है जो घर में होती है, जो हम कई बार चाहते हैं कि हम झमेला नहीं करेंगे, फिर भी कोई आकर उसको, जैसे कि मेरी और मेरी सास की कहती है कि बाहर के कोई आकर एक सास को एक बात कहती है और मुझे एक बात कहती, तो दोनों में लग जाते, फिर जाकर पता चला कि वो भी कुछ नहीं कहे और हम भी कुछ नहीं कहे, बाहर की घर बाहर से आए तो हम शुरू कर दिए। पप्पू जी से मेरी होती है, पप्पू जी से मेरे भी होती है, ऐसे ही। हाँ, आप दोनों का भी झगड़ा होता है, ज्यादा बकबक नहीं करते। आप तो ज्वालामुखी कह दिए, तब से हमको ज्वालामुखी कह रहे, इसको नाम दे दिया मैं ज्वालामुखी, आप ठीक है? ज्वालामुखी तो होता है ये सबका, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, हम नाम दे दिए इसको, जे आप ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी सबके सामने भी ज्वालामुखी कह रहे हैं, लेकिन आप ज्वालामुखी, लेकिन गीता माता जी की तरह बनना है, गीता माता जी का भी फाइटिंग होता है, लेकिन फिर भी वो बोलते कि आप मेरा क्या कर लोगे, डायरेक्ट बोलते हैं, मैं भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे मतलब ये करके दिखाओ। तो कुछ इस तरह ये होना चाहिए, स्वावलंबी बनना है। प्राणमोहन प्रभु जी, आपका भी होता है क्या घर में ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, टक्का, सुनामी? अब शांत हो गया, अब शांत हो गया भागवतम की कृपा से।
नंदकिशोर माता जी तो कुछ दिन पहले अपने बेटे को छत के ऊपर बोले थे, प्रभु जी ये इसका डिस्टर्ब होता है जब करते करते। आपका अभी क्या हुआ माता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। अपने को सुधर गए हैं, अपने सुधर गए हैं हम। ऑटोमेटिक सुधर गए? आप खुद सुधर गए या वो परिवार? नहीं, हम अपने सुधर गए। अच्छा। अपने सुधर गए। जिसको मतलब जिसको डिस्टर्ब होता था, कान में आवाज जाता था, वो अपना हम मुंह में ही। आप तीन तरह के बोले थे ना, बीच वाला करते, बीच वाला जो मन थी है, माला जाप है वही करते हैं, या घर में दरवाजा बंद करके तब जो जब थोड़ा सा साउंड में करना रहता है तो दरवाजा बंद करके अपना अंदर करते। बहुत सुना, यही सुन, यही तो होना चाहिए। कृष्ण भक्त को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, वो हर परिस्थिति से निपट ले। ऐसे हम अपने कोशिश करते हैं कि हम अपने सुधर जाए। अपने सुधरना सुधरेंगे। जैसे विभा माता जी को, उनके लिए तो कोई कंप्लेंट नहीं, उनके परिवार तो, उनका प्रभु जी तो साक्षात युधिष्ठिर महाराज, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, है ना। कोई कोई ऐसा किस्मत वाला होता है, लेकिन विभा माता जी बोलते हो, जिस दिन हमारा एनिवर्सरी हुआ उस दिन बोले कि प्रभु जी सारा दिन आप लोगों का ही चर्चा हुआ, हम लोग आप लोगों का ही चर्चा किए, वीडियो देखे, ये किए वो किए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हमारा भी तो बीच बीच में फाइटिंग होता है, आप लोगों का तो कुछ नहीं होता है, कितना प्रेम से रहते हैं। तो जो भी है, क्या किया जाए, ये संसार है। संसार दावा निलोक प्राणाय कारुण्य घन घनात्म। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले पैराग्राफ में ये चीज बताइए, जो संसार है, ये घर संसार है या पूरा संसार जो है ना, ये दावानल की तरह है, न चाहते हो भी आग लग जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि वन में आग लगे, लेकिन लग जाता है। तो अभी इससे बचने का उपाय, जैसे जो युधिष्ठिर महाराज को एक बार विदुर ने बताया था, जब युधिष्ठिर महाराज को वारणावत में पांचों पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था, शकुनी और दुर्योधन, तो विदुर ने उनको चुपके से एक इंडिकेशन दिया था कि युधिष्ठिर जब वन में आग लग जाती है तो चूहा सांप कीड़े मकोड़े वो लोग क्या करते हैं अपने बचाव के लिए, चूहा क्या करते हैं अपने बचाव के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि जब वन में आग लग जाते तो चूहा बिल में घुस जाते, नीचे घुस जाते हैं। तो बस इतना ही बोला था विदुर, और युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि इसके इस प्रसंग में कुछ तो घटना है। तो अंत में वही हुआ कि जब आग लग गया तो युधिष्ठिर पांचों पांडव समेत नीचे ये करके सुरंग खोद के चले गए। और तो ये कुछ प्रसंग है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को प्रत्येक स्थिति में ये दावानल का सामना करना पड़ता है, दावानल का सामना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दावानल है। लेकिन एक चीज में, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि भक्ति करते करते क्लेशाग्नि का नाश होता है और शुभदा प्रकट होता है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि भक्ति का बीज ऐसा है जैसे वो बीज रोपण होता है ना, तो एक वृक्ष एक पौधा उगता है, उसमें दो पत्ता आता है, पहला पत्ता है क्लेशाग्नि, दूसरा है शुभदा। क्लेशाग्नि मतलब क्लेश का नाश, क्लेश का नाश होता है हमारे जीवन में, जो दुख रहता है ना, क्लेश भैतिक ताप, ये पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा चीज क्या प्रकट होता है, शुभदा मतलब ऑस्पिशियसनेस, अच्छा शुभ अच्छा चीज प्रकट होते हैं। तो हम लोग को भक्ति का आश्रय कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को, जैसे अनामिका माता जी पहले दिन आए थे कितना दुखी थे ना, आप लोग उनके चेहरे को देखा था, है ना। अभी देखिए कितना प्रसन्न चित्त है, तिलक लगा है, तुलसी माला भी आ जाएंगे कुछ ही दिन के अंदर। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट है, नृसिंह कवच की कृपा से वो भी ठीक हो जाता है। जैसे उदाहरण क्या दे गीता माता जी का, उतना डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है, समझदारी के लिए सारे काफी है।
तो अल्टीमेटली भक्ति एक ऐसा चीज है व्यक्ति को क्लेश से मुक्त कर देता है। जो हमारे भक्ति जीवन में जो बाधाएं हैं, जिसे कल बातों बातों में जो नंद किशोरी माता जी को बोले, बोले कि प्रभु जी रेक नहीं है, मोबाइल पर रखेंगे कहां क्लास करने के लिए। मैं बोला कि इतना लाख करोड़ रुपया कमाए हैं, 5,000 रुपये का टेबल नहीं ला पा रहे, है ना, 5,000 रुपये का टेबल लाइए, टेबल के ऊपर मोबाइल कर रखेंगे। इतना बड़ा 2-3 बिल्डिंग किस दिन के बाद भगवत धाम चले जाएंगे, रुपया पैसा कौन खाएगा, भूत प्रेत खाएंगे, बच्चे मच्चे वो लोग भी तो भक्त नहीं हुए, तो लाभ क्या है। कम से कम खुद तो अच्छा भक्त बनिए, जो जो फैसिलिटी जो जो चाहिए वो सब खरीदिए, अच्छा हेडफोन खरीदिए, और जो अच्छा नहीं होगा वो मैं बोल दूंगा, इसको गोवर्डिंग में डाल दो, है ना, डस्टबिन में उसे, तो जो भी है यूटिलाइज करना है। भक्ति में जो जो जरूरत होता है वो सब चीज हम लोग को यूटिलाइज करना है, वो सब उपयोग में लाना है, कंजूसी नहीं करना है। कंजूसी करेंगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में। क्या प्रभु जी, हरे कृष्णा, कुछ नहीं प्रभु जी, ऐसे ही बोल रहा है। हाँ, कंजूसी नहीं करना है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु जी ये कुछ बोलने वाले थे लेकिन बोल नहीं रहे अभी। अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए, डरने का बात नहीं प्रभु जी, कोई यहाँ पे लेट फाइन नहीं करेगा, बताइए। नहीं, कुछ बात नहीं है प्रभु जी, ऐसे ही वो जो आप बोल रहे थे जी को, तो उसी संबंध में हम बोले कि परिवार में जब मान लीजिए 2-4 हानि रहता है घर में, तो धर्मराता है, आवाज होता है, तो उसी तरह परिवार है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही थोड़ा बहुत। हाँ वो तो होगा ही, लेकिन मेरा बोलने का भाव यही है कि भक्त को अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, अत्यंत बुद्धिमान, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, क्योंकि कुछ भी हो जाए भक्ति उनके हाथों से छूट ना जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए भक्ति उनके हाथों से छूट ना जाए। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके पास एक मोबाइल है 5,000 रुपये का, एक मतलब अच्छा मोबाइल नहीं है, तो उसमें आपका कॉल करने में भी असुविधा होता है। जगन्नाथ प्रभु सुबह सुबह फोन करते हैं, उसको दबाने में, ये दबाने से वो दबता है, ये करने से वो होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है। हम जब फोन करते उस समय आप उठा नहीं पाते, बाद में आके उठाते हैं। दूसरा, क्लास ज्वाइन के टाइम ऑटोमेटिक वो लीव आउट हो जाता है, उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते, साउंड अच्छा क्लियर नहीं आता है। उसके पास बहुत सारा संपत्ति है लेकिन बोला अरे क्या मोबाइल उतना ये करने का क्या जरूरत है, काम चलने वाला है, लेकिन उसमें तो काम नहीं चल रहा है ना, इसीलिए उस समय क्या करना है, उस समय आपको अच्छा एक मोबाइल खरीदना है ताकि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्लास एकदम सुंदर तरीके से आवाज आना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ भक्तों को सुनाई देना चाहिए। तो भक्तों को इस तरह बुद्धिमान होना चाहिए, कहाँ पर कैसे खर्च करना है ये उनको उपयोग में लाना है। अच्छा गीता माता जी हमारे क्लास के प्रभु जी भी सुन रहे हैं, पलंग में सो सो के आवाज जा रहे उनके पास, ओ अच्छा बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बुद्धिमान, देखिए बुद्धिमान का बात ही कर रहे थे, कृष्ण भक्त कितना बुद्धिमान होता है, उसके लिए 1200 रुपया खर्च किए, ऑलरेडी एक हेडफोन खरीदे, न रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, मतलब झगड़ा झंझट का कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर आवाज सुनाई देंगे प्रभु जी को तब तो वो बोलेंगे ना क्या डिस्टर्ब कर रहे, सब समय प्रभु जी बकर बकर कर रहे, मुझे सोना है दिन में, है ना, तो अभी कोई झंझट ही नहीं, चलो बाबा आप भी सो जाओ मैं भी अपना भक्ति देख रहा हूं। तो ये होता है बुद्धिमानी का काम, ये होता है बुद्धिमानी का काम। इसीलिए अगर बुद्धि नहीं है तो मुझसे पूछना है कैसे बुद्धिमान बना जाए। मैं पहले किताब पढ़ा था जब मैं 9th क्लास पढ़ता था, पुस्तक का नाम था 10 रुपये में मिलता था, बुद्धि का चमत्कार, किताब का नाम था बुद्धि का चमत्कार, प्रकाश पब्लिकेशन दिल्ली,
₹10 में मिलता था वो पुस्तक, तो मैं बहुत बार उसे पढ़ा था। तो एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आप ये इतना वैरायटीज टाइप ऑफ किताब क्यों पढ़ते। मैं बोला उसको, देखिए ज्यादा किताब पढ़ेंगे ना तो किसी भी व्यक्ति से आप कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा। तो वही जिस दिन मायापुर टीवी में जो तृतीय सेमिनार हुआ लक्ष्मी का, ब्रह्म संगीता का डे 3, तो लास्ट में लक्ष्मी बोले कि प्रभु जी, यद्यपि हमारे प्रभु जगन्नाथ देव प्रभु वो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए, लेकिन वो विदेशियों के साथ ऐसे बात करते हैं ना फ्रेंकली इंग्लिश में, यद्यपि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उज्जैन की रहने वाली हूँ, एक अच्छे नगर से, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, मतलब डर लगती है उन लोगों से कॉन्वर्सेशन, लेकिन इनको, मेरे पति देव को किसी भी स्टेज में उठा दिया जाए, संसद भवन में उठा दिया जाए, वो अपना लेक्चर चालू करेगा। तो ये सब कहाँ से आए, ये सब साहस कहाँ से मिलता है? ये सब साहस मिलता है, जैसे हमें राकेश कुमार राय प्रभु जी बोले थे, विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न प्रकार का डीलिंग करने से वो अनुभव आता है, किसी किसके साथ क्या बात करना है। इसीलिए मैं बहुत कुछ ज्ञान, सब समय में ज्ञान अर्जन करता हूँ, आप लोगों को पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ। ऑल टाइम ऐसा कोई समय नहीं कि जगन्नाथ देवदास फ्री बैठा है, कुछ ना कुछ अनुभव वो हासिल कर रहा है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से हासिल कर रहा, ताकि भक्तों के किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ बन सके, है ना। कभी कभी मायापुर टीवी में आप लोग देखे है ना, टॉक शो में कोई कोई अटक जाता है, मैं वो उस योग्यता का नहीं हूं जो मैं होस्ट करता हूं ना, होस्ट किसी दूसरे को करना चाहिए, बल्कि स्पीकर मुझे बनना है दूसरों का उत्तर देने का, लेकिन मैं ये देखा हूं कि वो होस्टलिंग मैनेजमेंट कोई नहीं कर पाएंगे, लक्ष्मी भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चली कि मैं ही कर देता हूं। और जब वो लोग किसी का उत्तर नहीं पता तब मैं खुद बोल देता हूं। तो ये सब इंफॉर्मेशन रखना है ताकि किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का प्रॉब्लम समस्या का समाधान हो सके। और आज तक मुझे जैसा लग रहा है, जितने सारे भक्तगण मुझसे मिले, अपना अपना समस्या लेकर आए, सबका समाधान हम कर दिए। नंदकिशोरी माता जी एक प्रॉब्लम लेके आए थे, उनको समाधान बता दिया। गीता माता जी एक प्रॉब्लम लेके आए थे, उनका समस्या का समाधान बता दिया। हमारे अनामिका माता जी एक समस्या लेकर आए थे, उनका समस्या का समाधान बता दिया। हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी जुड़ते हैं लेकिन आते नहीं, इसीलिए उनको बुलाते भी नहीं, सबका वीडियो ऑन है, वो खाली बैठे हैं, तो मुझे उधर नजर भी नहीं जाते कि उनके साथ थोड़ा कॉन्वर्सेशन करूं, उनके साथ थोड़ा बात करूं, अन्यथा मैं तो डेली बेसिस में सभी भक्तों से एक एक बार बात कर लेता हूं। तो जो भी है, हम तो अपनी तरफ से सबको प्रयास करते हैं, सबको सबके हृदय में भक्ति देने का, अभी जो जिस मात्रा में लेना चाहे। तो जो भी है, यहाँ पर हम लोग जो समझने वाली जो बात है, आज का जो श्लोक हमारा द्वितीय श्लोक, कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, कि सृष्टि की सारी योजनाएं यही प्रयोजन के लिए बनाई गई, लेकिन जो चेतना नहीं हो भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अर्थात ये जो सृष्टि, भगवान श्री कृष्ण ने जो सृष्टि किया, हाँ, इतना कुछ अरेंजमेंट किया, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग इस संसार में गिर चुके हैं, हमारा असली घर भगवत धाम, तो यहाँ पे गिर चुके थे, इसको यहां से किस तरह पुनः वहां पे चले जाए, भगवान के धाम में कैसे चले जाए, यही पूरा प्रोग्राम है, पूरा कार्यक्रम है ये भक्ति, ये भगवान की भक्ति, ये सब कुछ। इस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की पद्धति, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं, ये हमारा श्रीमद् भागवत की कथा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, तो ये सब जो कुछ है ना, इसके माध्यम से ही हम लोग वहां पर जा सकते हैं। कोई व्यक्ति मैट्रिक में पास कर सकते तो उनको क्या क्या करना पड़ता है? हिंदी क्लास करना पड़ता है, सोशल साइंस क्लास करना पड़ता है, नागरिक, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ये सब करना पड़ता है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सब कुछ करना पड़ता है, तब वो परीक्षा में पास होता है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली
हो जाए, विभिन्न प्रकार का सब्जेक्ट। उसी प्रकार भक्ति जीवन में भी हमारा कुछ कुछ सब्जेक्ट है, इसमें हरिनाम जप एक सब्जेक्ट है, श्रीमद भागवतम श्रवण एक सब्जेक्ट है ना। तो ये सब सब्जेक्ट में, ये सब विषयों में जब हम लोग पारंगत हो जाएंगे, हैबिट्यूटेड हो जाएंगे, आदत हो जाएगा, तब क्या होगा, हम लोग स्वयं वो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा प्यार होगा, प्रेम होगा। और श्री कृष्ण के साथ जब हमारा प्रेम हो जाता है सब जीवन में और क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया है ना। जो जगत का मालिक है उनके साथ प्रेम करना ही तो हमारी जीवन की सिद्धि। साधु संग, साधु संग एक दूसरा अंग है, पहला अंग हरिनाम, दूसरा अंग श्रीमद भागवतम का श्रवण, तीसरा अंग साधु संग भक्तों का संग करना। हम बीच बीच में सभी भक्तों को क्यों चेत करते हैं जो लक्ष्मी नहीं कर पाती, लक्ष्मी कृष्ण कथा बोलती जी गुड, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन भक्तों को जगाना, उनके बारे में पूछना, वो नहीं कर पाते जो मैं करता हूं। इससे क्या होता है, इससे साधु संग बढ़ता है, ठीक है। तो जो भी है, कल मुझे रात में पूछ रहे थे लक्ष्मी कि नेपाल के भक्तों को तो मैं जानता भी नहीं, मैं उन लोगों से कैसे कॉन्वर्सेशन करूं। हाँ, तो मैं बोला कि आपका जीवन असफल है, अगर जगन्नाथ देव की पत्नी होने के बावजूद अगर ये पता नहीं है कि लोगों से बात कैसे करना है तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये मैं क्यों बोला, ये मैं इसीलिए बोला क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने से मेरे सामने किसी को खड़ा कर दीजिए, चाहे चाइना से हो, अमेरिका से हो, किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, देखिए उनको कैसा दोस्त बना लेते हैं। लेकिन ये तो नेपाल के, ये तो कॉन्टेक्ट में है, ये तो भक्तगण आए थे मायापुर एक बार, तीन लोगों के साथ बात करना नहीं आएगा। इसीलिए मैं उनको बोला कि अगर भक्तों से बात करना, उनको क्लास देना अगर नहीं आएगा, उन लोगों से कैसे फास्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तब जगन्नाथ की पत्नी होने का आपका कोई वैल्यू ही नहीं है ना। धृतराष्ट्र अंधा था, गंधर्व भी अंधी थी, तो जगन्नाथ सबसे कम्युनिकेशन करता है, तो आपको भी तो कुछ वैसे क्वालिटी अर्जन करना है ना। तो ही मैं उनको कभी कभी बोलता हूँ। तो हम उम्मीद करेंगे कि मेरे पास तो एक जैकेट है, तो हमारे अगर प्रकाश कुमार प्रभु जी, नहीं क्या बोलते हैं, प्रमोद प्रभु जी, अगर उनका जैसा जैकेट है, एक मोटा वाला जैकेट अगर आ जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। हमारे प्रमोद प्रभु जी का जैकेट ऐसा लग रहा है कि प्रभु जी कम से कम 150 किलो का है, प्रभु जी का जो वेट है कम से कम 150 किलो होगा, जैकेट का मतलब मोटा देख के। जो भी है, तो अल्टीमेटली आज खरीदे है प्रभु जी, आज खरीदे है जी, जी। ओ, लिए है। बहुत सुंदर है। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पर राजगद्दी में बैठाया, और आगे हम लोग देखेंगे कि परीक्षित महाराज का कैसे जन्म होगा, कैसे भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। तो ये जो दो श्लोक हम लोग चर्चा किए, पहला श्लोक सोनकादि ऋषिगण प्रश्न किए और शुद्ध गोस्वामी उत्तर दिए, इसके बाद हम लोग क्रमांकत एवरीडे फिर ये इस अध्याय के और आगे बढ़ेंगे, क्या क्या कर किए युधिष्ठिर महाराज। तो इस संबंध में या कोई दूसरे संबंध में अगर भक्तों का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना प्रश्न करेंगे उतना हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण होता है, अच्छा होता है। दलिया चक्रवर्ती माता जी, कैसे है आपका तबीयत? कैसे है आप? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है ठंडे के कारण? अच्छा, कोई बात नहीं। तो कितना माला जप किया आज आप? चार माला। अच्छा ठीक है।
तो जब मैं कभी कभी आपको ऐसे ताना मारता हूँ, मतलब जब कोई वीडियो ऑफ करके रखता तो मैं उसको ताना मारता, तो आपको दुख होता है? फोन में बैटरी कम था इसीलिए वीडियो ऑन नहीं किया था। अच्छा, तो नहीं तो ऑफ हो जाएगा, क्लास नहीं सुन पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली जो वीडियो ऑफ रहता है ना उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूँ उनका रखना है, जैसे भी गीता माता जी वीडियो बंद, जैसे एग्जांपल के रूप में गीता माता जी का वीडियो बंद है ना, इसीलिए मुझे पता ही नहीं कि गीता माता जी हमारे साथ है। तो इसी तो चलिए प्रश्न हमारे पार्थ प्रभु जी, क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं? नंद किशोरी माता जी आप लाइट जलाइए पहले, गरीब घर जैसा मत रहिए। हाँ तो पार्थ प्रभु हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ कोई प्रश्न नहीं है प्रभु आज? नहीं आप रोज रोज आज प्रश्न नहीं, रोज रोज एक एक बहाना कर रहे हैं, ये भक्ति में बहाना नहीं चलता। कल जब बोले बहाना नहीं कर रहे आप, बहाना कर रहे। मैं कल जब बोला कि प्रभु जी तो आप अवर भी दीजिए, तो बोले नहीं नहीं प्रभु जी हम तो इलेक्ट्रिक ऑफिस में है, बहुत सारे लोग पैसा जमा। ऑफिस है, कल ऑफिस चालू था, कल दे दूंगा, कल मैं पहले दूंगा। ठीक है, 26 दिसंबर छुट्टी का दिन है ना, कल पहले दूंगा मैं। ठीक से बोलो, कल जो थे ना पब्लिक डे था, छुट्टी का दिन नहीं थे, तो कंज्यूमर थे लोग थे, इसलिए बोल नहीं पाए। और कल जो 26 जनवरी कल ऑफिस छुट्टी है, लेकिन उसको तो इमरजेंसी में है तो ऑफिस चलेगा, फिर कोई लोग नहीं होंगे तो वो बोले। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी आपका कुछ प्रश्न नहीं है मन में? अच्छा मेरा एक प्रश्न थे, ठीक है बताइए। प्रश्न थी एक तो पहले जो कल आपने बताया जो गांधारी तपस्विनी थे उस वक्त की, वो बहुत बड़ा तपस्विनी थे, अपने पति का अनुगामी थे, जैसे कि आजकल के नहीं है, आजकल का ऐसा पति भी कहा है? अगर पति, एक दिन आप बताए थे जो पत्नी अगर धर्म पत्नी होगा तो पति का भी गुरुपति, वो तक्षो में कहा था, पति का भी गुरुपति, अगर गुरुपति नहीं होगा तो हम धर्म पत्नी कैसे हो? लेकिन मुझे लगता है आपका पति तो वैसे ही परफेक्ट पति है, जैसे आप पत्नी है उसी तरह परफेक्ट पति। आप जैसे बोले तिलक करो तिलक किया, जैसे बोले कि माला जप करो माला जप किया। मेरे पति है लेकिन कई, तो इसमें समस्या कई सारे है उसको तो नहीं है, कई सारे है उसको तो नहीं है, तो वो क्या करे? हाँ क्या, और भी बहुत है जिसका पति ऐसे गुरुपति नहीं है, तो वो लोग क्या करे? उसको मंजूदरी जैसा रोल निभाना है, रावण जैसा पति है तो ठीक है उनको रहने दो, मुझे मंजूदरी जैसा बनना है। यहाँ मुझे ऐसा भी देखा था, रावण जैसा पति है तो ऐसा भी लोग देखा था, ऐसा भी पोती देखा था, तो शराब पीकर पत्नी को डंडा से मारते या करने चाहिए बोलिए। ए मुरारी मुरारी आप अनम्यूट करके जप कर रहे हैं, इधर भक्तगण बात कर रहे हैं। अभी मैं बोला ना भागवतम क्लास में थोड़ा ध्यान से सुनो, जप तो बाद में भी कर सकते हो, और क्या काम है आपका? हम समझ नहीं पाए पार्थ प्रभु जी क्या बोले, बोलिए प्रभु जी। ये भी पति है, हमने देखा था जो शराब पीकर पत्नी को डंडा से मारता है, ठीक है? हाँ यही वाला वो यही बात बोल रहा था, जो पति जो वो गुरुपति बोल रहा था ना, वो यही बात बोला था जो अगर जो अपर व्यक्ति को जो पति मिला था तो कैसे होगा, वही बोला था वो। अच्छा आप लोग प्रश्न को समझे, अनामिका माता जी थोड़ा शॉर्ट में बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाह रहे प्रभु जी? प्रभु जी कह रहे थे कई सारे पति है जो ड्रिंक्स करके अपने पत्नी को पीते हैं। ओ अच्छा अच्छा, मदपान करके पत्नी। तो, अच्छा। तो ओ पत्नी कर क्या करे, वो भी क्या अंधे रहे, कुछ नहीं करके। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, पत्नी के पास बहुत गुनाहबली होते हैं, एक पत्नी एक पति से भी ज्यादा चालाक हो सकते हैं,
वो अपने भाव भंगिमा जानते हैं, मोहिनी लीला, समुद्र मंथन लीला जानते हैं। राक्षसगण कितने बुद्धिमान थे, असुरगण, लेकिन जब मोहिनी वहां पर प्रकट हुए तो बोला अरे अमृत को छोड़ो, रियल अमृत तो यहाँ पर है, देखिए छुनछुनी वाली किस तरह नाच रही है ना, ये अमृत को छोड़ो, शरबत जूस इसको फेंको, अभी इनके पीछे दौड़ो। तो अगर एक पत्नी अगर चाहे ना तो अपने पति को बस में कर सकते हैं, अपने जादू से, अपने भाव भंगिमा से, अपने प्यार से, है ना, तो मारेंगे क्या, वो तो कुत्ता बन जाएगा उनके पीछे पीछे, है ना। पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, नारी के पास 16 कला है। और इसे रोएंगे, इसे रोएंगे। इसे रोएंगे ना, ऐसे करेंगे वो उनका पति, आप देखे नहीं वहां पर, हम विष्णुपुर गीता माता जी आप देखे थे विष्णुपुराण सीरियल के, और जो दशरथ महाराज जब मंथरा ने सिखाया कैकेयी को, आप जाके काला काला जैकेट मतलब काला कपड़ा पहनो और वहां पे दशरथ महाराज के रूम में जाके लेट जाओ, जमीन पे सोना है, पलंग में नहीं। और दशरथ महाराज आए, और दशरथ महाराज आने के बाद बोले कि आपने मुझे दो वरदान देना चाह रहे थे, मुझे एक भी नहीं, दो वरदान देना चाह रहे थे लेकिन मुझे एक भी नहीं दिए, मुझे अभी वो चाहिए, एक चाहिए, एक जो भगवान राम, राम बन जाए और मेरा पुत्र मरे, यहाँ पर राजगति संभाल। तो अल्टीमेट वो जैसे कैसे टेक्निक किए, कैसे लीला किए, दशरथ महाराज को वहां पे बाध्य होना है ना। तो एक पत्नी अगर चाहे ना अपने पति को बस में कर सकता, लेकिन एक पति अगर चाहे तो अपने पत्नी को बस में नहीं कर सकता, ये है फिलोसॉफी। क्योंकि वर्तमान ये माया का युग है ना, हर कोई माया के पीछे भागता है। पति अपने पत्नी को बस में नहीं कर सकते, लेकिन पत्नी चाहे तो अपने पति को बस में कर सकते, क्योंकि पत्नी के पास एक क्वालिटी है, ठीक है। और एक प्रश्न है, और एक प्रश्न, नहीं नहीं प्रश्न है, नहीं माता हमारे प्राणमोहन प्रभु जी अगर आपको मतलब रिकमेंड करें, ठीक है, कल करेंगे, कल 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 नहीं कल प्रश्न करेंगे, प्राणमोहन प्रभु जी का प्रश्न था। अच्छा गीता माता जी कल करेंगे, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ कौन है माता, एक दिन सीरियल देख, छोटी ननंद के हस्बैंड है वो, नंदोई जी है हमारे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी, देखिए कितना सुंदर वो भागवत कथा में आए हैं, कम से कम एक दो मिनट तो आए, और भी तो बहुत हाँ। सारा मेहमान है घर में, लेकिन कोई तो आया नहीं, प्रभु जी आए, ननंद भी तो है, सुजा एक बार आके जा, आगे जा पंडित जी, प्रभु जी हम लोग प्रभु जी बोलते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, आप लोग भी क्लास को सुनना है, ठीक है, आप भी घर में जुड़ना है, ये क्लास हमारा श्रीमद् भागवतम की कथा रोज होता है, हाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, जूम में जैसे माता जी सिखा देंगे, जब भी समय मिले तो भागवत कथा सुनना चाहिए, हमारे मनुष्य जीवन सार्थक होगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन जो है ना हम लोग बैठते ही गंवा देंगे और बाद में पश्चाताप होगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करता सारा जीवन भर, और अंत में जब फेल करता है तब उसको पता चलता है, अरे काश अच्छी तरह पढ़ाई होता तो आज मैं नौकरी करता, है ना, इसीलिए हम लोग को सचेत रहना। उसी प्रकार हमारे मनुष्य जीवन में अगर हम लोग कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग को जीवन के अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। इसीलिए रोज क्लास में ज्वाइन करना है, और गीता माता जी जैसे आप लोगों को गाइड